इटावा के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाली है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी कांग्रेस से सत्ता छीनने जा रही है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई मेडिकल कॉलेज में पेसमेकर घोटाले को लेकर कहा कि पीड़ितों के साथ सरकार न्याय करेगी। पूरा गंभीर घटना है और उस घटना का दोषी डॉक्टर इस समय जेल में है, लेकिन जिन लोगों के साथ इस प्रकार की दुखद परिस्थितियां पैदा हुई हैं, सरकार उनका पता करेगी और पता करके उनके जीवन की रक्षा के लिए जो जरूरी कदम उठाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार वापसी कर रही है, फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम लोग कांग्रेस से छीन रहे हैं, वहाँ पर भी भाजपा का कमल खिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो इस समय 2024 के लोकसभा की तैयारी है, हम इटावा लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें इस बार जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। और अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है। 22 जनवरी को गर्भगृह जो जहाँ पर रामलला पैदा हुए थे वहाँ पर 500 साल से अधिक समय के बाद विराजेंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान के रूप में पधार रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। हर राम भक्त के लिए खुशी का अवसर है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह राम मंदिर देशवासियों के लिए राष्ट्र मंदिर साबित होगा।